खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने शनिवार को एक सुपारी कारोबारी के यहां छापामार कार्यवाही की है। टीम ने यहां से घटिया तरीके से बनाई जा रही 10 लाख रुपए कीमत की सुपारी को जब्त किया है। अपर कलेक्टर अभय बेडीकर को मामले में सूचना मिली थी कि चंद्रनगर क्षेत्र में नायाब सुपारी सेंटर पर मिलावटी व घटिया सुपारी का निर्माण कर पैकिंग में बेचा जाता है। इस पर खाद्य विभाग व क्राइम ब्रांच ने वहां पर छापा मारा। इस दौरान सेंटर संचालक इकबाल हुसैन पुत्र हसीनुर हसन लोधी से पूछताछ की और साथ ही में निरीक्षण किया तो वहां पर स्तर की मिलावटी व खुली कच्ची सुपारी, सीखी सुपारी व चूना मिलाकर पैकिंग की जा रही थी। इस दौरान परिसर में काफी गंदगी पाई गई। मामले में संचालक द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस व सुपारी व चने के बिल भी पेश नहीं किए जा सके। मामला मिलावटी व मानक सुपारी का पाया गया। इस पर टीम ने सैंपल लेकर 10 लाख रुपए कीमत की सुपारी जब्त की। मामले में चंद्रनगर पुलिस द्वारा फर्म संचालक हाजी इकबाल और साजिद हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।